श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् अयोध्या कांडम् षट्सप्ततितमः सर्गः वसिष्ठानुयुक्तो भरतः पितृदेहं तैलद्रव्या निजसार्य राजा चितद्रव्यैः संस्कृत्य सरैवायुत्कां क्रियां विधाय अयोध्यां प्राप तमेवम् शोकसंतब्धं भरतं काय कायि सुतं उवाच वद, वदताम् श्रेष्ठो वशिष्ठस्तशेष्टवाग्रश्री हि अलम् अलम न बद्रम् ते राजपुत्र महायशह प्राप्तकालम् नरपते कुरुसंयत संयानमुत्तम वशिष्ठस्तु वच श्रुवा भर तो धरणी गेतकृत्या सर्वाणी कस धर्म उधृत्य तैल संसेका भूमौ निवेशितम् आपीतवर्णवदनम् प्रसुप्तमिव भूमिपम संवेश्य शयने छाग्ये नाना रत्न परिष्कृते ततो दशरतम पुद्रो विलापसु दुक्कितः किम् ते व्यवसितं राजन् प्रोषिते मत्यनानागते विवास्य रामं धर्मज्ञ लक्ष्मणं च महाबलं कयास्य से महाराजहि भेमं दुक्कितं जनं हीनम पुरुषसिंहेन रामा रामेण कृष्ट कर्मना योगक्षेमं तुतेव्य अव्यग्रं कोस्मिन् कल्पयिता पुरे त्वयप्रयाते स्वस्तात रामे चव नमाश्रिते विधवा पृथ्वीराजस्वया हीना नरजते ीनछन्द्रेव रजनी नगरी प्रतिभाति माम् एवं विलपमानं तं भरतं दीनमानसम् अब्रवीद्वचनं भूयो वसिष्ठस्तु महामुनिः

वापकंठ विमनस् हिरण्यं च सुवर्णं च वासां सिविविधानि च प्रकिरन्तो जना मार्गे रूपनेर नृपन नरेण ग्रतो ययहुः छन्दना गुरुनिर्यासान् सरलं पद्मकं तथा देवदारूणि चाहृह्य क्षेपयन्ति तथा पर गन्धानुच्छाव्यांस्तत्र गत्वा तत्र गत्वा भूमिपं तत्र संवेशयामासुक्षिता मध्ये

चक्रृ ऋत्विजोग अग्निचितम रूपम स्त्रियस्य शोकसंतप्ता कौसल्या प्रमुखास्थदा क्रौंचीनामिव नारीनाम निनादस्तत्र शुश्रुवे अर्तानां करुणं काले क्रोशन्तिनाम सहस्रशह ततोरुदन्तौ विवशा विलप््य च पुनः

इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे षट्सप्ततितमः सर्गः